वेलकम दोस्तों, क्रिप्टो शिप्टो पर आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या त्रिहान आज बात करूंगी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। क्या आपके दोस्त भी रोज क्रिप्टो, बिटकॉइन और डिजिटल वॉलेट के बारे में बातें करते रहते हैं और आपको कम जानकारी होने के कारण कुछ समझ नहीं आता है? तो चलिए मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर में क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंचे कैसे। आपने अपने दादा परदादा से कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि पहले के ज़माने में लोग चीज़ों की अदला बदली करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 किलो आटा लेना है तो आप उसे 1 लीटर दूध के बदले में बदल सकते हैं। पर यह सिस्टम ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू का पता ही नहीं लग पाता था। फिर आए सिक्के, जो कि सोने और चांदी के बने होते थे। जी हाँ, सोने और चांदी के। फिर इंडिपेंडेंस से पहले चांदी, दवानी, अठन्नी जैसे कई सिक्के आए, पर वे उनका वजन बहुत भारी होता था, जिससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। फिर आए नोट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। RBI 10 रुपये से लेके 2000 के नोट तक इशू करती है। आजकल तो हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन में बिलीव करता है, चाय वाले से लेकर सुपरमार्केट तक में भी QR कोड प्राप्त होता है। पर इस ट्रांजैक्शन में एक ही दिक्कत होती है कि एक तरफ से ट्रांजैक्शन हो जाती है पर दूसरे तक पहुंचती नहीं है, और इस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना भी आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को लोग आने वाले फ्यूचर की करेंसी समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे इंडिया में RBI नोट इशू करता है और डॉलर को US रिजर्व, वैसे क्रिप्टो में कोई इशू नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी को 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया, जिसमें एक वर्ड है क्रिप्टो तो दूसरा वर्ड है करेंसी। करेंसी का मतलब होता है पैसा और क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ पैसा, जो कि एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होता है। क्रिप्टो को ना तो हम नोट की तरह छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद हुई। 2008 में सतोशी नाकामोटो इंसान ने कहा, एक मेल पोस्ट करा जिसमें उसने कहा कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाएगा जिसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। फिर 2009 में उसके बाद आई फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम था बिटकॉइन। जानते हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट अभी भी बिटकॉइन को एक मिस्ट्री समझते हैं, क्योंकि अभी तक कोई नहीं जान पाया है कि सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप है या एक इंसान है। तो चलिए मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। एक्सपर्ट बताते हैं कि सतोशी नाकामोटो के पास इतने सारे बिटकॉइन हैं कि अगर उसने एक दिन ये बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में बेच दिए तो जानते हैं क्या होगा? क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की वैल्यू तुरंत ही गिर जाएगी। सतोशी नाकामोटो ने जब 2008 में ये मेल पोस्ट किया, तब क्रिप्टो करेंसी एक आइडिया थी। अब क्रिप्टो करेंसी एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है। 2021 में जब क्रिप्टो करेंसी अपने पीक पॉइंट पर थी, तब मार्केट में 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी थी। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताती हूँ, जैसे कि शिबा इनू, डॉज कॉइन, एथेरियम। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इतनी सेफ और सिक्योर होने के बावजूद भी काफ़ी गवर्नमेंट इसे गलत मानती है। एक तरफ एल साल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहाँ पे बिटकॉइन को एज ए लीगल करेंसी माना गया है, और दूसरी तरफ चाइना, जहाँ पे बिटकॉइन को यूज़ करने पर भी बैन है। अभी भी ज़्यादातर कंट्री क्रिप्टो को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, जैसे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे क्रिप्टो बिल लाने की बहुत कोशिश की गई पर अभी तक आ ही नहीं पाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिप्टो को लेकर सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपसे अलविदा लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, क्रिप्टो शिप्टो की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।